हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वुड्रो विल्सन। ये फर्स्ट थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और इन्हें फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा जाता है, अगर ये देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ स्टडी, उन्होंने एक ये कंसेप्ट दिया था कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपन को सेपरेट पढ़ना चाहिए करके। अब ये सेपरेट पढ़ना चाहिए करके उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए थे, ठीक है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वुड्रो विल्सन खुद क्यों आया, या क्यों उनको ज़रूरत पड़ी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटी से सेपरेट करने की। तो अगर अपन लोग देखा जाए तो यहाँ पर अपन लोग वाई के बारे में पढ़ते हैं। तो वाई के बारे में सबसे पहले पढ़े तो 1880s में क्या हुआ था यूएसए में, यूएसए में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही थी गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट में बहुत सारा करप्शन बढ़ चुका था। साथ साथ में स्पॉइल्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट आ गया था, और देखा जाए तो वहाँ पर फेवरेटिज्म बहुत बढ़ गई थी। फेवरेटिज्म मतलब अपने ही लोगों को रखना, अपने ही रिश्तेदारों को बड़े बड़े पोस्ट पे रखना वगैरह, ये सब चीज़ें। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो बेस्ट है, जो डिज़र्व करता है, वो उनको कोई जगह ही नहीं थी, और कोई मेरिट नहीं था कि किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाए वगैरह वगैरह। इस वजह से क्या हुआ था कि दिन ब दिन जो क्वालिटी थी काम की वो घट रही थी, और इसके साथ में देखा जाए तो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट नहीं था कि हाउ वी स्टडी और व्हाट वी स्टडी और हाउ वी इम्प्लीमेंट, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई स्टडीज़ नहीं होती थी। और साथ में क्या हुआ कि 1880s में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के बाद क्या हुआ कि डिफ़िकल्टीज बढ़ी, ठीक है, और काम मल्टीप्लाई हो गया। इस वजह से ओवरऑल देखा जाए ना तो यूएसए में हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही थी दिन ब दिन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ स्टडीज़ आना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से बर्थ हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वुड्रो विल्सन का, और वुड्रो विल्सन ने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन करके रखा। और उन्होंने सबसे पहले अपना एक ऐसे लिखा जो 1887 में जो था, जिस नाम से कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे तो उन्होंने बहुत आर्टिकल लिखे थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट आइडेंटिटी देता है, एक सेपरेट आइडेंटिटी देता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी की बात की थी। ये क्यों किया था, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब वो कैसे बढ़ गया था कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी पॉलिटिशियंस का रोल हुआ करता था, मतलब हर चीज़ बहुत मिस हो चुकी थी। उन पॉलिटिक्स का रो जो रिक्रूटमेंट वो होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी पॉलिटिक्स ही करते थे, और ओवरऑल जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा रोल था। तो यही सिस्टम ने क्या 1880s में वहाँ पर भी होता था। अब जैसे कि उन्होंने क्या कहा था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी, मतलब उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बट उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी कि नॉट कम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली सेपरेट, जस्ट टू अटैच, मतलब ये सिर्फ अटैच रह सकता है, ठीक है, बट कम्प्लीटली सेपरेट भी नहीं रह सकता। क्योंकि जो जैसे देखो पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू को इम्प्लीमेंट करना। पॉलिटिक्स क्या करती है, इलेक्टेड होती है। पॉलिटिक्स क्या करती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहती है, वेलफेयर और ओरिएंटेड सोचती है, और लॉ कैसे बनाना चाहिए ये वो लोग सोचते हैं। मतलब देखा जाए तो पॉलिटिक्स को लोग इलेक्ट करके देते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझे और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें। बट एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है कि जो पॉलिसीज पॉलिटिक्स ने फॉर्मुलेट किया है, वही पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करे। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन का और क्या क्या रोल होता है कि इफ़िशेंसी और आउटपुट दिखाए, ठीक है, फैक्ट बेस्ड रहे। फैक्ट बेस्ड मतलब क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, कि हाँ मुझे करना ही है, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर अपन लोग देखें तो ये परमानेंट होते हैं। ये परमानेंट होते हैं मतलब कैसा, कि एक बार उनका इलेक्ट हो गया, सॉरी, वो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट हो गया उनका, तो वो 5 साल के लिए नहीं होते या 6 साल के लिए नहीं होते जैसे पॉलिटिक्स होती है, वो दे आर परमानेंट और वो वहीं पे रहते। चाहे गवर्नमेंट बदल जाए, पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदलता ना, या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं बदलते, ठीक है। वैसे ही ये लोग साइंस को फॉलो करते, और अपन लोग पॉलिटिक्स की बात करें तो दे आर वेलफेयर ओरिएंटेड,
देयर वेलफेयर वैल्यू वैल्यू बेस्ड होता है उनका, मतलब इमोशंस बहुत भरे होते हैं। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन वाले इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कोई भी लॉ जो पॉलिटिक्स ने बनाया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है, वो गवर्नमेंट बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बनाने के बाद पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? अगर कोई कानून है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? पुलिस वाला, पुलिस सिस्टम। या देखा जाए तो कोई पॉलिसीज़ है, या जो कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या मनरेगा है, तो ये कौन इम्प्लीमेंट करता है? उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर इम्प्लीमेंट करता है। तो कलेक्टर कौन हो गया? एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। और वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले जो होते लेजिस्लेटिव होते वो पॉलिटिशियंस होते हैं। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। पर देखा जाए तो उन्होंने कंप्लीट सेपरेशन नहीं बोला कि हाँ पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग एकदम सेपरेट हो जाए, सेपरेट नहीं बोला उन्होंने। बट उन्होंने ये बात बोला कि फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये बोला कि कोई भी इन्फ्लुएंस किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसी भी पॉलिटिशियंस का ना रहे, ये उन्होंने कहा था। और वैसे ही पॉलिटिक्स का रोल भी उन्होंने डिफाइन किया था और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी उन्होंने प्रॉपर वे से डिफाइन किया था, ठीक है। आगे अपन लोग देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा था। आगे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिया था, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट बेस, रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट बेस कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फोकस करती है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए, पर इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाओ, क्योंकि एक कानून बनाना जितना आसान है उससे कई गुना डिफ़िकल्ट उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से होगा कोई कोई भी लॉ का, ये उन्होंने कहा था। और ये चीज़ उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करना गवर्नमेंट करने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल एज अ साइंस, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ये बात कहा था कि कोई भी प्रिंसिपल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रिंसिपल ले सकते और उसे एज अ साइंस देखा जाए, उन्होंने ये कहा था। मतलब उन्होंने एज अ एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस देखा था जो कंटिन्यूसली चेंज और इवॉल्व हो सकता है, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपैरेटिव स्टडीज़ की बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या, कि किसी भी दूसरे देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अपने देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करना, और साथ ही में कल्चर का ध्यान रखना। अपन लोग किसी भी कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज इट इज़ अपने कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने देश का कल्चर अलग होता है और किसी दूसरे देश का कल्चर अलग होता है। जैसे आज अपन लोग अमेरिका का देखें तो अमेरिका का ऑल टुगेदर कल्चर अलग है अपने इंडिया से, तो अपन एज इट इज़ उनका स्ट्रक्चर नहीं ले सकते। हाँ, बट वी कैन इंस्पायर फ्रॉम देयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब अपन लोग उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उससे इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि उनकी इफ़िशेंसी है ना, तो इससे अपन लोग इंस्पायर हो सकते हैं। और उन्होंने वो इफ़िशेंसी कैसे हासिल की, वो इफ़िशेंसी जिस तरीके से हासिल की ना, वो अपन लोग उनसे ले सकते हैं, ये बात उन्होंने कहा। और उन्होंने उस समय बहुत बहुत ही अच्छी बात कही थी, पब्लिक ओपिनियन किसी भी पॉलिसी के लिए या किसी भी पॉलिसी से पॉलिसी के लिए या किसी भी लॉ के लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक आज अगर अपन लोग पब्लिक ओपिनियन का इंपॉर्टेंस देखें ना, तो फेसबुक देख सकते हैं, मीडिया का रोल देख सकते हैं अपन लोग, फेसबुक का रोल, मीडिया का रोल, या आज ट्विटर का भी रोल देख सकते हैं। ये ट्विटर ये सब कैसे इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पॉलिसीज़ को, या ये कैसे गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकता है, कैसे आउटपुट के ऊपर बात कर सकता है, या कैसे किसी भी पॉलिसी को इम्प्रूव करने की बात करता है, कि लोगों के विचार किसी पॉलिसीज के लिए क्या है, इस बारे में उन्होंने उस समय कहा था, जो आज भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट की जाती है। वैसे ही वेलफेयर स्टेट की बात किया था। वेलफेयर स्टेट की बात क्यों किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइवेट प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि जो लोग मार्जिनल है, जो पुअर है, उनके ऊपर फोकस करा जाए, गवर्नमेंट का मेन रोल ये होना चाहिए, उन्होंने उस समय कहा था। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस कहा, इसका मतलब ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस होना चाहिए मतलब क्या, कि वो ट्रिपली के ऊपर फोकस करे। ट्रिपली मतलब क्या, इफ़िशेंसी, इफ़ेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी,
ये तीन चीज़ के ऊपर फोकस करे, ना कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, उन्होंने ये कहा था। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि फोकस ऑन आउटपुट, आउटपुट के ऊपर और इक्विटी के ऊपर उन्होंने बात की थी उस समय, है ना। इससे क्या हुआ था कि ऑल टुगेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या अपन कहा जाए कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। इन्होंने ये तो बात कही थी, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, उन्होंने कहा था प्रिंसिपल एज अ साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए, कंपेरेटिव स्टडी की बात की थी, पब्लिक ओपिनियन की बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस एज अ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस की बात की, ट्रिपल ई की बात की, आउटपुट की बात की, इक्विटी की बात की, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें की थी। पर उनका जो ये सब चीज़ों का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ना, उनका एक ही चीज़ का था कि वो प्रिस्क्रिप्टिव थे, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, उन्होंने ये बात तो कही कि क्या करना है, बट कैसे करना है ना, उन्होंने ये चीज़ कभी रखी नहीं कि हाँ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। कंपेरेटिव स्टडीज़ अपन लोग कैसे करें उन्हें नहीं पता, रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैसे करें ये उन्होंने नहीं बताया, प्रिंसिपल एज अ साइंस क्या होते हैं उन्होंने नहीं बताया, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस उन्होंने बोला ट्रिपल ई नॉट अ प्रॉफिट, बट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस मतलब कैसे इफिशियंसी को बढ़ाया, कैसे इफेक्टिवनेस को बढ़ाया, कैसे इकोनॉमी को बढ़ाया, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी दिया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए करके, दैट इज़ समवॉट कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज और बढ़ा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स एंड साइंस बट नॉट एक्सप्लेन इट। उन्होंने ये एक्सप्लेन भी नहीं किया, प्रिंसिपल एंड साइंस के बारे में बात किया बट एक्सप्लेन नहीं किया। बट बहुत अच्छी बात देखा जाए ना, तो इन्होंने जो फ्यूचर थिंकर्स होते हैं ना, उन्हें एक सोचने का नज़रिया दिया, जो आज मतलब आगे चल के उन लोगों ने इनके इसके ऊपर काम करने के बाद, जैसे टेलर हो गया या कई सारे जो थिंकर्स आए फ्यूचर में, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ में वुड्रो विल्सन को, इन लोग उनकी थियोरी को आगे लेकर आए, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल वुड्रो विल्सन का आज भी है। अगर आज अपन रिलेवेंसी देखा जाए तो आज अपन लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं उनकी, आज अपन लोग रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अगर यूपीएससी को देखें तो मेरिट बेसिस पे वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रिंसिपल एज अ साइंस देख सकते हैं अपन लोग, है ना। और दूसरी बात कंपेरेटिव स्टडी, आज अपन लोग जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है, कंपेरेटिव स्टडीज़ तो है ना, ठीक है। कंपेरेटिव स्टडीज़ मतलब क्या कि अपन लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट कंपेयर करते ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ है ना उनके सबके साथ, दैट इज़ कंपेरेटिव स्टडी। अब पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन में देखा जाए तो अपन लोग फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, मीडिया हो गया, ये क्या है, पब्लिक ओपिनियन है। अपन वेलफेयर स्टेट्स है, वेलफेयर स्टेट की बात करते हुए वेलफेयर स्टेट में मनरेगा की बात करते, कई सारे ऐसे स्टेट्स है उनकी बात करते, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस की बात देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इफ़िशेंसी के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कैसे डिजिटलाइजेशन लाने के बाद, या कई सारी ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करी उसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कि DBT लाया उन लोगों ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि डायरेक्ट किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आउटपुट आउटपुट दिखे, ठीक है। और इक्विटी की बात किया, अपन लोग आज भी रिजर्वेशन की बात करते, क्यों, इक्विटी के लिए। यही चीज़ है जो उन्होंने उस समय कही थी और आज अपन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वैसे ही उन्होंने जो डाइकोटोमी की पॉलिसीज दी थी ना, डाइकोटोमी की बात की थी ना, तो डाइकोटोमी में अपन लोग सेपरेट, कंप्लीट सेपरेट तो नहीं कर सकते पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बट हाँ अपन लोग एक चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को डाइकोटोमी, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी कैसे यूज़ कर सकते कि हो सके जितना कम इन्फ्लुएंस किसी पॉलिटिशियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में रहे उतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये बात आज अपन लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगा तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू।